मुकाबला करने के लिए, दो दो हाथ सड़क पर आ जाओ, यहीं पर मैदान में जो है वो इसका मुकाबला हो, या नहीं तो फिर 4 घंटा 8 घंटा 12 घंटा। किसको डराता है, कौन डरने वाला है? चुनी हुई सरकार है, बड़ा जनादेश है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी ईडी कार्यालय के अंदर जा चुके हैं और वहाँ पर सवालों का बौछार हो रहा होगा। वहीं हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। अभी ईडी कार्यालय में हेमंत सोरेन जी गए हैं और उन पर सवालों का खूब बौछार हो रहा होगा, क्या लगता है कि डर गए होंगे? नहीं, क्यों डरेंगे, डरने का सवाल ही नहीं है, डराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम कहाँ डरने वाले लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को भी डराया, राहुल गांधी जी को भी डराया, जहाँ जहाँ गैर भाजपा प्रदेश के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं, उनको डराने की कोशिश हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग होते हैं, जो डर जाते हैं उनके यहाँ धुले हो जाते हैं, और जो संघर्ष करता है उनको इसका डर दिखाया जाता है। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है, राज्य की जनता तैयार है हाथ पकड़ करके इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए। दो दो हाथ सड़क पर आ जाओ, यहीं पर मैदान में जो है वो इसका मुकाबला होगा। लेकिन ये जो प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से शुरू की है, इसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देगी। आप जो है वो मांस खा के नहीं है कौवा का कि आप जीवन भर आप यहाँ बने रहिए, सब लोगों की मौका है। लेकिन जो लेसन आपने दिया है राजनीतिक दलों के लिए, वो आपके लिए भी जो है उसका सबक मालूम पड़ेगी आपको। कल से बीजेपी काउंटडाउन शुरू कर चुकी है कि हाँ अब 2 घंटा और बाकी है, 12 घंटा और बाकी है। इतना इंतजार आज तक किसी चीज़ के लिए वो लोग किए नहीं होंगे, इस चीज़ के लिए इतना काफ़ी उत्साह क्यों? तो आप सोच सकते हैं, जो हम लोग कहते हैं जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र की सरकार के मातहत हो रही है, तो आप समझ रहे हैं बीजेपी की नियत कथनी और करनी का। ये इसी काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इनको, जो सरकारें हैं गैर भाजपा की, या तो डर से शामिल हो जाओ, या फिर हॉस्टेडिंग के माध्यम से शामिल किए जाओगे, या नहीं तो फिर 4 घंटा 8 घंटा 12 घंटा। किसको डराता है, कौन डरने वाला है? चुनी हुई सरकार है, बड़ा जनादेश है, इसका इसकी मुखालफत करने वाले लोगों को सावधान रहना पड़ेगा कि इसका चुनौती कहां तक जाएगी, इसको सोच भी नहीं सकते। कहना ये भी है कि वो आदिवासी कार्ड खेलते हैं हेमंत सोरेन, आदिवासी बोल बोल के और आदिवासी को ही लूटते हैं। अब ये तो ये सब तो जो है वो राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल है, ये तो चलता रहेगा, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कब तक रुकेगा, इसका जवाब दीजिए कि ये चाहते क्या है देश के अंदर। कौन सी प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, कौन सा डर है भारतीय जनता पार्टी को, जमीन खिसकने की, कि राजनीतिक जमीन खिसक रही है, या 2024 के पार्लियामेंट और असेंबली में झारखंड की जनता इनको कान पकड़ के बाहर करेगी वो डर है, या 4 उपचुनाव में ये बाहर हो गए वो डर है? डर तो इनको है और बहुत हिल गए हैं अंदर से कि जी झारखंड को 5 वर्ष तक इन्होंने लूटने का काम किया है, शायद अब दोबारा इनको झारखंड में मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इन जांच एजेंसियों के माध्यम से सरकार को डराए जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व जो विधायक लोग हैं सारे लोग इसमें पार्टी में जुड़ रहे हैं, ये क्या संकेत देते हैं? आप सोचिए, आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी के नेता वहाँ हैं वो समझ रहे हैं कि उनका भविष्य वहाँ सुरक्षित नहीं है, और वो ये भी जान रहे हैं कि उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही है। इसका जीता जागरा उदाहरण गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने एक उम्मीदवार को फ़ोन किया जिन्होंने इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं देश के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, और लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए। ठीक, तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे और इनसे ये बहुत चीज़ बताएं कि बीजेपी कैसे साजिश कर रहा है, और ऐसे ही अभी ईडी से जुड़े अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, उन पर सवालों का बौछार लगातार हो रहा है। इससे जुड़े तमाम अपडेट हम आपको जीएन भारत पर लाइव दिखाएंगे, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।